हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHMS अड्डा। तो आज हम स्टडी करेंगे वेरेट्रम एल्बम फ्रॉम एलन कीनोट। तो इसकी जो भी बेसिक बातें हैं मैंने वीडियो में नीचे लिख दिया है। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है फॉर चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ पर्सन हु आर हैबिचुअली कोल्ड एंड डिफिशियंट इन वाइटल रिएक्शन यंग पीपल ऑफ अ नर्वस सैंग्विन टेम्परामेंट। कहने का मतलब ये मेडिसिन स्पेशली है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जो लाइफ के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, यानी कि चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हैबिचुअली कोल्ड होते हैं या फिर उनका जो वाइटल रिएक्शन यानी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होता है। यंग पीपल में नर्वस सैंग्विन टेम्परामेंट होता है। सैंग्विन टेम्परामेंट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक होंगे। तो इन सब जो कैरेक्टर रहता है पेशेंट्स में, उन पेशेंट को सैंग्विन टेम्परामेंट कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में ये स्पेशली सूटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडेप्टेड टू डिजीज विथ रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन एंड कोलैप्स। इसका मतलब होता है कि वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन जो है वो उस तरह के डिजीज में ज़्यादा एक्ट करेगा जिसमें रैपिड सिंकिंग ऑफ द वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स बहुत जल्दी सिंक करने वाला होता है और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा थकावट और कोलैप्स की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड परस्पिरेशन ऑन द फोरहेड। इसमें जो फोरहेड में परस्पिरेशन होगा जो कि बहुत ठंडा होगा। विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, यानी मतलब किसी भी कंप्लेंट में, अप्रॉक्सीमेटली सभी कंप्लेंट्स में ये फोरहेड में इसका कोल्ड परस्पिरेशन होगा। कैन नॉट बियर टू बी लेफ्ट अलोन येट परसिस्टेंटली रिफ्यूज टू टॉक। इसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है लेकिन फिर भी ये बात करना नहीं चाहता है। अगर सामने कोई है तो ये बात करना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी इसको अकेलापन पसंद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है थिंक्स ही इज प्रेगनेंट और विल सून बी डिलीवर्ड। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी एक बेबी को डिलीवर करेगी, ऐसा इसको थॉट होता है ऐसा, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट है मैनिया विथ डिज़ायर टू कट एंड टियर एवरीथिंग स्पेशली क्लोथ। बोलता है इसको मैनिया है और साथ ही साथ इसको किसी भी चीज़ को काट देने का या फिर फाड़ देने का डिज़ायर होता है, स्पेशली वो क्लोथ्स को यानी कपड़ों को काटना फाड़ने का डिज़ायर होता है। ये टेरेंटुला मेडिसिन में भी है। विथ लेवड लेसिवियस टॉक एंड एमरस और रिलीजियस। इसके साथ साथ क्या होगा, लेसिवियस टॉक यानी कि कामुक बातें करेगी, सेक्सुअली थोड़ा सा वो उस तरह की बातें करेगा जो भी होगा, या फिर रिलीजियस बातें करना पसंद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अटैक्स ऑफ फेंटिंग फ्रॉम लीस्ट एग्जर्शन। थोड़ा बहुत भी अगर एग्जर्शन होता है काम के प्रति या कुछ भी तो उसको बेहोशी का अटैक आएगा और एक्सेसिव वीकनेस होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होगा। सिंकिंग फीलिंग ड्यूरिंग हेमरेज, अगर हेमरेज का कंडीशन होगा तो वो उसे लगेगा कि मतलब अब हम बेहोश होते जा रहे हैं या फिर सिंक होते जा रहे हैं, इस तरह कंडीशन डेवलप होगा। सेंसेशन ऑफ अ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स विथ चिलीनेस। बोलता है कि उसको ऐसा फील होगा कि हेड में वर्टेक्स के ऊपर एक आइस का लंप रखा हुआ है, ठीक है, विथ चिलीनेस और साथ ही साथ उसको ठंडापन भी महसूस होगा। एज ऑफ हीट एंड कोल्ड एट सेम टाइम ऑन स्कैल्प, और स्कैल्प में सेम टाइम में हीट भी महसूस होगा और ठंड भी महसूस होगी, दोनों एक ही टाइम में ऐसा होगा। एज ई ब्रेन वेयर टोन टू पीसेज, उसको ऐसा भी महसूस होगा कि जो मेरा माथा है वो हेड जो है वो मेरा टुकड़ों में बट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेस, फेस जो है पेल ब्लू कोलैप्स्ड, फीचर सनकेन हाइपोक्रेटिक। उसका फेस जो है पेल है, पीला है, ब्लू है, कोलैप्स्ड है, फीचर सनकेन धंसा हुआ चेहरा है, लाइक हाइपोक्रेटिक फेस। आपने हाइपोक्रेटिक फेस नहीं देखा तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में लगाता हूँ। इस तरह के चेहरे को हाइपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। जो हाइपोक्रेट थे उनका जो चेहरा था वो धंसा हुआ चेहरा था, उनका आइज भी धंसे हुए थे, गाल भी धंसे हुए थे, इस तरह के चेहरे को हाइपोक्रेटिक फेस बोलते हैं। तो पेल ब्लू कोलैप्स्ड फीचर सनकेन हाइपोक्रेटिक। रेड वाइल लाइंग, जब वो लेटा हुआ रहेगा तो फेस जो है रेड रहेगा लेकिन बिकम पेल ऑन राइजिंग अप, लेकिन जैसे ही वो उठ जाएगा तो चेहरा जो है वो पीला हो जाएगा। थर्स्ट में इंटेंस है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, अनकोंचेबल है यानी कि प्यास बुझेगा नहीं कितना भी पानी पिए, और वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ठंडा पानी पीने का मन होगा, और साथ ही साथ ऐसे ड्रिंक्स लाइक लेमनॉइड हो गया या फिर अगर बोले तो टर्मिड हो गया, और भी ऐसे ड्रिंक्स जो भी होते हैं उनको ये पीने का मन होगा इसको। वांट्स एवरीथिंग कोल्ड, लेकिन हर चीज़ को ठंडा ही चाहिए। तो आप देख रहे होंगे घूम फिर के वेरेट्रम एल्बम जो मेडिसिन है वो ठंडे के पीछे ही घूम रहा है, एवरीथिंग इसका हर चीज़ ठंडा ही है। तो पहले लाइन में भी बोल चुका है कि हु आर हैबिचुअली कोल्ड, ओके, दैट्स व्हाई वेरेट्रम एल्बम मेडिसिन राउंडिंग अराउंड कोल्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आईसी कोल्डनेस ऑफ फेस, टिप ऑफ नोज, फीट, लेग्स, हैंड, आर्म एंड मेनी अदर पार्ट। बोलता है कि फेस का, टिप ऑफ नोज का, फीट का, लेग का, हैंड का, आर्म्स का और बॉडी के अदर पार्ट्स का आइसी कोल्डनेस होगा, बर्फ जैसा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं
कोल्ड फीलिंग इन एब्डोमेन, पेट में भी ठंडा महसूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वायलेंट वोमिटिंग विथ प्रोफ्यूज डायरिया, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा साथ ही साथ डायरिया भी होगा। वोमिटिंग एक्सेसिव विथ नोजिया एंड ग्रेट प्रोस्टेशन, वोमिटिंग होगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नोजिया भी होगा और ये एग्रेवेटेड होगा बाई ड्रिंकिंग और लीस्ट मोशन, जरा सा भी मोशन से भी इसको वोमिटिंग वगैरह नोजिया वगैरह जो है बढ़ जाएगा। ग्रेट वीकनेस आफ्टर, और इसके बाद बहुत ज़्यादा थकान यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा इसको। कटिंग पेन इन एब्डोमेन एज फ्रॉम नाइफ्स, पेट में ऐसा लगेगा जैसे कोई चाकू से काट रहा हो, इस तरह का दर्द होगा उसको। इससे कॉलेरा में जो है वोमिटिंग एंड पर्जिंग स्टूल प्रोफ्यूज वाटरी गसिंग प्रोस्टेशन आफ्टर फ्लाइट, सर कॉलेरा में जो है वॉमिटिंग होगा, पर्जिंग स्टूल, स्टूल बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज, वाटरी डिस्चार्ज होगा, गसिंग, प्रोस्टेटिंग आफ्टर फ्लाइट, और ये खासकर सिम्टम जो है डर के बाद इसमें ज़्यादा डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायरिया, डायरिया फ्रिक्वेंट है, ग्रेनिस है, बार बार होगा, हरा रंग का होगा, वाटरी है, बहुत ज़्यादा पानी के साथ आएगा, गसिंग मिक्स विथ फ्लेक्स और फूड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। कटिंग पोलिक, इसका जो पोलिक पेन होगा वो बहुत ज़्यादा कटिंग टाइप से होगा विथ क्रैम्प्स कमेंसिंग इन हैंड, और हाथ पैर में भी थोड़ा क्रैम्प्स महसूस होंगे थोड़ा थोड़ा, जो कि पूरे बॉडी में भी स्प्रेड होगा वो क्रैम्प्स। प्रोस्टेटिंग आफ्टर फ्राइट, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगा, एग्रेवेटेड एट लीस्ट मोमेंट, हल्का सा मोमेंट होने के बाद कॉलेरा बढ़ जाएगा। विथ वोमिटिंग कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड ड्यूरिंग द प्रोस्ट्रेशन आफ्टर, बोलता है कि साथ ही साथ वोमिटिंग भी होगा और कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, ये तो कॉमन बात है, ये हर प्रॉब्लम में इसका फोरहेड पे कोल्ड स्वेट होगा ही होगा। आगे चलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में बोलता है नो डिज़ायर टू लार्ज हार्ड इन राउंड ब्लैक बॉल फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, कॉन्स्टिपेशन बोलता है कि स्टूल करने का इसको डिज़ायर नहीं होता है, इसका जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है, राउंड होता है, ब्लैक बॉल की तरह होता है। फ्रीक्वेंट डिज़ायर फेल्ट इन एपिगेस्ट्रियम, फिर आगे बोलता है कि बार बार एपिगेस्ट्रियम में उसको बार बार डिज़ायर महसूस होता है, यानी पेट के अपर पार्ट में, पेनफुल ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन, और ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो इन्फेंट्स और बच्चों में और नवजात बच्चों में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसमें बोला गया है कि आफ्टर लाइकोपोडियम अलेक्स होने का आप कॉन्स्टिपेशन के केस में वेरेट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसमेलोरिया, डिसमेलोरिया में बोलता है कि विद वोमिटिंग एंड पर्जिंग, डिसमेलोरिया होगा लेकिन साथ साथ वोमिटिंग भी होगा, पर्जिंग यानी कि स्टूल पास भी होगा, और एग्जॉस्टिंग डायरिया, और ऐसा डायरिया होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा विद कोल्ड स्वेट, यहाँ भी कोल्ड स्वेट आएगा, यानी कोल्ड स्वेट इसमें वेरेट्रम एल्बम में एवरी सिम्टम में ही आएगा। इट्स सो वी कैन स्कैसली स्टैंड फॉर टू डेज एट ईच मेंस्ट्रुअलेसेस, बोलता है कि मेंस्ट्रुअल के टाइम में इतना ज़्यादा ये वीक हो जाता है कि मतलब दो दिन तक कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही डर डर के खड़ा होगा, अगर होगा भी तो, मतलब फीमेल के बारे में बात करें होगी भी तो। नेक्स्ट पॉइंट है बैड इफेक्ट्स ऑफ ओपीएम ईटिंग टोबैको चिपिंग, कहने का मतलब कि जो ओपीएम कंज्यूम करते हैं या फिर टोबैको चबाते हैं तो उन कंडीशन में, उनकी कंडीशन में अगर उनको कोई बैड इफेक्ट होता है उस ओपीएम और टोबैको से, तो वेरेट्रम एल्बम को आप दे सकते हैं, इसमें उनको बहुत ही रिलीफ होगा। पेन्स इन द लिम्स ड्यूरिंग वेट वेदर गेटिंग वर्स फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, पेन जो है वेट वेदर में इसका बहुत ज़्यादा होता है हाथ पैर में, और बढ़ जाता है कब, जब वो बेड में जाती है, यानी कि बेड की गर्मी की वजह से उसका जो हाथ पैर में जो दर्द है वो बढ़ जाता है, और बेटर कैसे रहता है तो चलने पे, तो बेटर बाई कंटिन्यूड वॉकिंग। इन कंजेस्टिव और परनीशियस इंटरमीटेंट फीवर, तो ऐसा इंटरमीटेंट फीवर जो उसको बार बार हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसके लिए लीथल है, हानिकारक है, तो उस कंडीशन में भी वेरेट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। विथ एक्सट्रीम कोल्डनेस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, थर्स्ट, प्यास भी होगा, फेस कोल्ड, चेहरा ठंडा होगा, एंड कोलैप्स जैसा दिखाई देगा, स्किन कोल्ड क्लैमी, ग्रेट प्रोस्टेशन, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड एंड डेथली पैलर ऑन फेस, स्किन जो है ठंडा रहेगा, क्लैमी होगा, ग्रेट प्रोस्टेशन बहुत थका हुआ नजर आएगा, कोल्ड स्वेट होगा ऑन फोरहेड पे एंड डेथली पैलर ऑन फेस, चेहरा होगा पूरा पीला पड़ जाएगा, ऐसा कि जैसे कि वो डेथ होने वाला है, तो इस कंडीशन में भी वेरेट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। तो इन टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर ही वेरेट्रम एल्बम को हम मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो मैंने मेडिसिन अगर बीच बीच में मैंने सिम्टम पे बोल दिया कि आप इसको दे सकते हैं तो आप उसको डायरेक्टली दे दें, टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, सो नेक्स्ट है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में बोलता है कि आफ्टर आर्सेनिक, अर्निका एंड सिंकोना, क्यूप्रामेट, इपिकैक, इन सब के बाद आप चला सकते हैं, आफ्टर कैंपर इन कोलेरा एंड कोलेरा मॉर्बस, कैंपर के बाद चला सकते हैं आप इसको कोलेरा के केस में, और डिसमेनोरिया में एमनकार, कार्बोवेस, स्वाइन, बोविस्टा, इन मेडिसिन के बाद आप वेरेट्रम एल्बम को सोच सकते हैं। ठीक है, एग्रेवेशन है फ्रॉम लीस्ट मोशन, आफ्टर ड्रिंकिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग स्टूल, व्हेन परस्पायरिंग, आफ्टर फ्राइट, इन सब कंडीशन में इनको एग्रेवेशन है। ऑफन रिमूव्स बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको, बोलता है कि ये वेरेट्रम एल्बम जो है
अल्कोहल का और टबैको का जो एक्सेसिव यूज का बैड इफेक्ट होता है बॉडी पे, उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल साबित होता है। दैट्स ऑल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वैसे ही आपके लिए रोज वीडियो बनाता हूँ।